सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्लस वन का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है सीबीएसई द्वारा, वो कौन कौन से चैप्टर्स जो टर्म टू में रखे गए हैं। टर्म वन की बात हम पहले कर चुके हैं, टर्म टू की अगर बात करें तो टर्म टू में जो जो चैप्टर रखे गए हैं, यूनिट 7, 8, 9, 10 और पहले जो 6, 1 to 6 यूनिट्स हैं वो फर्स्ट टर्म में कवर अप हो रहे हैं। तो ध्यान देंगे एक बार सभी, टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है 35 मार्क्स का आपका टर्म टू का एग्ज़ाम रहेगा और जो यूनिट 7th यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, इसमें चैप्टर 9, 10 और 11 थ्री चैप्टर्स को कवर अप किया गया है। यूनिट 8th में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर 10 और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 11, 9, 10 और 11 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनामिक्स, और इसी यूनिट को चैप्टर का नाम भी दिया गया है चैप्टर नंबर 12, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। इसका यूनिट 9th यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड दिस यूनिट इंक्लूड्स अ चैप्टर नंबर 13 नेम काइनेटिक थ्योरी। सो यहाँ तक जो मार्क्स कवर अप हो रहे हैं आउट ऑफ 35, 23 मार्क्स अप टू बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो यूनिट 10th ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें जो ऑसिलेशंस है चैप्टर नंबर 14 एंड वेव्स चैप्टर नंबर 15। सो टोटल 35 मार्क्स का एग्जाम जो है टर्म टू में होने जा रहा है। और प्रैक्टिकल, अगर इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 15 में से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एज इट इज रहेगी, 8 मार्क्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के हैं और 2 मार्क्स प्रैक्टिकल 5 एंड 5 मार्क्स ऑफ वायो वॉइस। सो इस तरह से जो टोटल 50 मार्क्स हैं वो 35 थ्योरी प्लस 15 मार्क्स ऑफ वाइवा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इंटरनल असेसमेंट। सो टोटल 35 प्लस 15 50 मार्क्स की जो टर्म टू की एग्जामिनेशन है फिजिक्स वो हेल्ड होगी। सो इस तरह से एक बार नोट डाउन कर लेंगे, काइंडली नोट डाउन प्लीज। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं टर्म टू क्लास प्लस टू 10+2 थ्योरी एग्जामिनेशन की। सेम ये भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एग्ज़ाम 35 मार्क्स का कंडक्ट होगा टर्म टू फिजिक्स का। और इसमें प्लस टू के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स रहने वाले हैं, यूनिट 5, 6, 7, 8 एंड 9 फोर यूनिट्स के बारे में हम पहले टर्म वन में डिस्कस कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव्स को ही चैप्टर 8 का नाम भी दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स। यूनिट 6 जो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के अंदर चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। ऑप्टिक्स में चैप्टर 9 जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और चैप्टर 10 इज वेव ऑप्टिक्स। यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड इस नेम इज ऑल्सो गिवन एज चैप्टर 11 भी इसको बोला गया है, यूनिट 7। सो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम यहाँ तक बात करें तो यूनिट 5 और 6 दो यूनिट में से आपको 17 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। यूनिट 7 और यूनिट 8, यूनिट 7 यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको चैप्टर 11 का नाम भी दिया गया है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और यूनिट 8
एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें एटम्स और न्यूक्लियाई को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में सेपरेट किया गया है। चैप्टर 12 है एटम्स एंड चैप्टर 13 इज न्यूक्लियाई। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दो यूनिट्स की, यूनिट 7 और 8, 11 मार्क्स का इन दो दो यूनिट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 मार्क्स का जो पेपर है वो आउट ऑफ 35 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में से आने वाला है। और सेमीकंडक्टर्स को कवर अप करेगी यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, एंड इट इज चैप्टर नंबर 14। सो ओवरऑल 5, 6, 7, 8 और 9 यूनिट्स को इंक्लूड कर रहा है ये टर्म 2 एग्जामिनेशन फिजिक्स का पेपर। मार्क्स 35 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 15 मार्क्स की सेम एज इट इज टर्म 1 की तरह ही इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 8+2+5, 8 मार्क्स 2 एक्सपेरिमेंट्स, 5 मार्क्स वाइवा एंड 2 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल। सो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स की इवेल्यूएशन टर्म 2 फिजिक्स के पेपर में CBSE की तरफ से 2021-22 तक रहने वाली है। सो ध्यान देंगे, नोट डाउन प्लीज़।